हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 30 मई 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन यास के बाद उसके इम्पैक्ट को लेकर। साइक्लोन यास रिसेंटली न्यूज़ में रहा था बे ऑफ बंगाल में, जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। हालांकि सिक्किम, झारखंड और बिहार के कुछ रीजन में भी इसके बाद आपको यहां पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है कि साइक्लोन यास का इम्पैक्ट क्या हुआ सुंदरबन को लेकर। सुंदरबन एक मेजर डेल्टा है और ये इंपॉर्टेंट प्लेस भी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सुंदरबन की जो लेंथ, आप देखेंगे ये आपका फिजिकल मैप है और इसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और यहाँ तक जो है ये म्यांमार तक कहीं ना कहीं ये आपको इसका बॉर्डर देखने को मिलेगा। और इसके बाद क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्लेस है तो जो डैमेज हुआ है, यानी अनप्रेसिडेंट डैमेज जो हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इसने कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को गियर अप करना कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको एनालिसिस करना और उसके बाद इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाया जाना ताकि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डैमेज हो रहे हैं, या आप देखेंगे साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंटेंस साइक्लोन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि साइक्लोन जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और वो बड़े लेवल पर डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। सुंदरबन की अगर हम बात करें पर्टिकुलर रीजन में तो लगभग 5 मिलियन जो लोग हैं या 50 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और कई सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन मैंने पहले ही बताया था कि दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। दोनों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि साइक्लोन को लेकर प्री और मेंस दोनों में सवाल हो सकते हैं। साइक्लोन के की कंडीशंस क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, उन सब को लेकर, ठीक है। तो साइक्लोन जो है पिछले 3-4 सालों में कई सारे साइक्लोन इस बे ऑफ बंगाल रीजन में देखने को मिले। फानी है, बुलबुल है, अम्फान और यास, इन साइक्लोन ने ह्यूज डैमेज क्रिएट किया है और इसकी वजह से जो हैवी एक तरीके से विंड चलती है या हवा चलती है उसकी वजह से पर्टिकुलर सी वाटर इंक्रीज होता है। विंड स्पीड से जो है वो साइक्लोन बहुत इंटेंस होता है और उसका कोस्टल एरियाज में, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि जो प्रॉब्लम है या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने को लेकर इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि इस पर्टिकुलर रीजन में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपरली हो और इस तरह के अनप्रेसिडेंट जो डैमेज हो रहे हैं उसको रोका जा सके। अनप्रेसिडेंट सर्ज के मामले में बताया गया कि इस साइक्लोन की वजह से आप देखेंगे कई जगह पर जो है वो 200 किलोमीटर की स्पीड से एक तरीके से आप ये इसकी विंड स्पीड थी और कई जगह पर जो इसने एक इमेंस इफेक्ट जिसको बोलते हैं उसका इफेक्ट आप देखेंगे पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिला। सुंदरबन के पर्टिकुलर कई सारे आइलैंड्स को इसने नुकसान पहुंचाया। देखियो सुंदरबन के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं, तो इनमें से कई आइलैंड जो है छोटे छोटे तो वो मतलब एक तरीके से बह गए हैं, इतना इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे द एंटायर आइलैंड विद ए पॉपुलेशन ऑफ 3500 पीपल इज़ फ्लडेड। यहाँ पर इसीलिए बताया जाता है कि कई सारे छोटे छोटे आइलैंड जो है इसकी वजह से बह गए हैं। और दूसरा यहाँ पर कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि एक डूब गए हैं या उसमें इतना पानी भर गया है कि उसमें फिर से उनको बसाना इतना आसान नहीं होने वाला। तो कई सारे इम्पैक्ट जो है आपको इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या कुछ आइलैंड जिसमें सागर आइलैंड का नाम दिया गया है या गोरामारा आइलैंड का नाम दिया, कुछ आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन किया गया। सुंदरबन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्योंकि ये एक मेजर प्लेस है फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी, और सुंदरबन में ट्राइबल हो या स्पीशीज रिचनेस को लेकर भी इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। लेकिन सुंदरबन में डिजास्टर की वजह से, या आप देखेंगे इस तरह की क्लाइमेटिकल सिचुएशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेगेटिवली असर हो रहा है। आप लोगों को नीचे कमेंट करना कि क्लाइमेट चेंज जो वर्ड यूज़ किया गया इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं और क्लाइमेट चेंज को कौन सी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है या किन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता है। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लेकर एक तरीके से बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा जो स्टडी करेगा कोविड 19 एसेंशियल्स में कुछ रिलीफ देने की नहीं देनी। ये न्यूज़ क्यों थी, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि GST काउंसिल की मीटिंग होती है 28 मई को, उसमें डिसीजन लेता है कि क्या कोविड 19 रिलेटेड इसेंशियल आइटम जो होंगे उन पर GST में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए जाए या नहीं दिए जाए, उसको लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है
जिसको लेड करेंगे या एक कन्वीनर की तरह काम करेंगे मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा, और उसमें डिप्टी कन्वीनर होंगे कौन, अजीत पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। इनको लेकर ये डिस्कशन किया गया। और इसी चीज़ को लेकर कि जीएसटी काउंसिल में 8 जून तक एक जो एक तरीके से रिकमेंडेशन देंगे कि इस बेसिस पर आप इसमें रिलैक्सेशन दें ना दें, उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट है उदय शंकर, उन्होंने कहा कि क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है ताकि कोविड-19 रिलेटेड इसेंशियल आइटम्स में इंडिया एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर पाए, और इसमें इस जंक्चर पर हम लोग और ज़्यादा समय को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते या और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, इस चीज़ को लेकर डिस्कशन किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रिसेंटली हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के, उनको रिकॉल किया कि आप दिल्ली आइए और जो है वो रिपोर्ट करिए 31 मई को। तो इनको लेकर चीफ सेक्रेटरी के या ट्रांसफ़र को लेकर या डेपुटेशन को लेकर जो एक डिबेट है सेंट्रल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस की गई है, कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट है या पॉलिटिकली इस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स कैसे और कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, डेपुटेशन का मतलब क्या, उसको लेकर एक स्पेसिफिक इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसके बारे में आज ही पढ़ेंगे। राइट, इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 6 पे, हम बात करेंगे और पेज नंबर 6 पे ही हम लोग देखेंगे जो चीफ सेक्रेटरी का रिकॉल हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सप्लेन किया गया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिलेशन को लेकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है अभी इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर गए, उन्होंने कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। यूएस के दूसरे जो एक तरीके से मिनिस्ट्री पोस्ट को होल्ड करते हैं वहाँ पर सेक्रेटरी बोलते हैं, लेकिन इक्विलेंट है। राइट, इनके अलावा इसमें जो प्रायोरिटी के अंदर था वो था वैक्सीन इश्यू, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि वैक्सीन इश्यूज़ को लेकर जो इश्यूज़ है, जैसे रेगुलेटरी को लेकर हो, लीगल हो, कमर्शियल हो, या सप्लाई साइड से जो एस्पेक्ट हो, उन सब चीज़ों को डिस्कशन किया गया। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब, इन्होंने डिस्कशन किया स्टेट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ, और इसमें कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में। ठीक है, इनमें इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर को लेकर इश्यूज़ हुआ हो, या कोविड-19 वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को लेकर हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, क्वाड ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वाड ग्रुप में आपको पता होगा 4 कंट्रीज हैं जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, बायलेटरल रिलेशनशिप को लेकर और ज़्यादा कैसे मजबूती लेकर आई जा सकती है, कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया गया। कुछ इश्यू जो है अभी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को लेकर है, और इनमें अगर आप देखेंगे इन इश्यूज़ के अंदर जो एक इश्यू सबसे बड़ा है कि जो वैक्सीन कंपनीज हैं, जैसे आप फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन, जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज है जो भारत में चाहती है कि वो वैक्सीन लेकर आए, उनमें एक बड़ा इशू ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर नहीं लेना चाहते। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कुछ होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है यूनाइटेड स्टेट की डिमांड जो है इनडेमिनिटी करके एक वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है कि अगर नुकसान हुआ किसी व्यक्ति को कोई वैक्सीन की वजह से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियां नहीं लेना चाहती, और अर्ली बेसिस पर उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया, इसीलिए बोला गया कि रेगुलेटरी लीगल, कमर्शियल और सप्लाई साइड के जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को लेकर दोनों कंट्रीज डिस्कशन कर रही है। इनके अलावा क्वाड ग्रुप जो है, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन ये सारे मिलकर 2022 के एंड तक 1 बिलियन वैक्सीन जो है वो बनाएगी, इसको लेकर भी कोलैबोरेशन किया जा रहा, बातचीत की जा रही है, और जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर भी डिस्कशन किया गया, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर है, या क्लाइमेट चेंज हो, या इंडियन ओशन में कैसे पीसफुली जो है काम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया गया। लास्ट में आप देखेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ साथ बर्मा के अंदर जो एक तरीके से मिलिट्री ने पावर कैप्चर की, उसको लेकर डिस्कशन किया गया, अफगानिस्तान के वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया गया। और लास्ट में बोला गया कि हम लोग इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और इमिडिएट जो भी पीसफुल रिजोल्यूशन होगा उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। और मिस्टर ब्लिंकन ने ये कन्फर्म किया कि इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज़ पर भी दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और यूएसए ने डिस्कशन किया। और यहाँ पर आप एक बीच में इंफॉर्मेशन जो हम मिस कर गए थे वो ये थी
यूनाइटेड स्टेट जो है वो 60 मिलियन डोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा, या एक तरीके से डोनेट करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा दुनिया भर की कंट्रीज़ में। और इसमें कोवैक्स के अंदर भी, कोवैक्स WHO द्वारा एक लेड इनिशिएटिव, जिसमें दुनिया भर के देश वैक्सीन डोनेट करते हैं और उसके बाद वो डोनेट करता है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या जहाँ पर एक्सेस नहीं है, या जिन जो कंट्रीज़ एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन उन कंट्रीज़ में। यानी कोवैक्स का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैक्सीन का, राइट। ये एक इनिशिएटिव है। ये भी कंटिन्यू न्यूज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोवैक्स बेसिकली है क्या। इसके बाद बात करेंगे, रिकॉल ऑफ चीफ सेक्रेटरी अन प्रेसिडेंट करके एक आर्टिकल दिया गया है, यानी भारत में अभी वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है इनको रिकॉल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि आप 31 मई को दिल्ली आइए और यहाँ पर एक तरह रिपोर्ट करिए 31 मई, क्योंकि अभी उनकी जो रिटायरमेंट पीरियड है वो 31 मई ही है, उनको रिटायर भी उस दिन होना है। लेकिन ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंट सा डिसीजन है, तो इसी चीज़ को लेकर डिबेट और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक कस्टम है भारत के अंदर, रूल्स एंड कस्टम में डिफरेंस होता है। रूल्स एक अलग होता है, कस्टम का मतलब होता है हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती है वो कस्टम में कंसिडर की जा सकती है। तो एक कस्टम है कि अगर ऑफिसर नहीं चाहता कि वो डिप्यूटी होना या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना, तो उसके विल के अगेंस्ट जो है वो नहीं एक तरीके से भेजा जाता। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन का कुछ पार्ट, कस्टम्स का कुछ पार्ट है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 28 मई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT, ये एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर, और इसमें ही जैसे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर जब ट्रेनिंग होती है तब वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन IAS ऑफिसर जो है वो इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किए जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है अलापान बंदोपाध्याय, इनको बोला गया कि आप 31 मई को 10 बजे सुबह नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में रिपोर्ट करिए। और इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज़ भी हुआ, इश्यूज़ को लेकर कुछ ना कुछ एलिगेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर माना गया कि जब साइक्लोन यास को लेकर एक रिव्यू मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी, उन्होंने मीटिंग को स्किप कर दिया था, और इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट करने को हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो पॉलिटिकल लेवल पर होती है कि आप पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो भी हो इनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जब इस तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं या डेपुटेशन होती है उनको लेकर रूल्स क्या है। कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स 1954, तो इसमें बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएट इफेक्ट से, ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज को की बात करें तो उसमें उनको अपॉइंट कर सकती है या उनको डेपुटेशन पर बुला सकती है। तो ACC को हेड करते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर जो है इसके दूसरे मेंबर की तरह होते हैं। 1987 के बैच ऑफिसर के IAS ऑफिसर हैं और इनको सेंट्रल डेपुटेशन, या आप देखेंगे 30 मई को इनको बुलाया गया है कि आप रिपोर्ट करिए। तो इस चीज़ को लेकर क्या रोल है DOPT का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, तो इसके बारे में बताया गया। ACC जो है वो अप्रूव करती है मिस्टर बंदोपाध्याय को कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो अंडर रूल 6(1) ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954, और इसको बोला जाता है डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर करके, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू इनको बुलाया जा सकता है। इनमें अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं जिसमें IAS IPS ऑफिसर होंगे या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑफिसर होते हैं जो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको डेपुटेशन पर बुला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको लेकर कई सारे रूल्स भी हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1954 51, IAS कैडर रूल्स वर फ्रेम्ड इन 1954, और इसको लेकर कहीं ना कहीं 1961-69 के अंदर जो पावर दी गई ये माना जाता है कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिशनरी पावर या एक तरफा पावर आपको दी गई है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स भी है कि इस तरह की परंपरा नहीं है। और यहाँ पर बताया गया कि उनको वैसे डेपुटेशन पर बुलाना जब उनका रिटायरमेंट पीरियड ही है कि वो 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, इस दौरान ये अनप्रेसिडेंट सा लगता है। और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हों या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो, इससे पहले हमने देखा था कि दिसंबर के आसपास 3 IPS ऑफिसर को बोला गया था कि आप दिल्ली में आइए आपको डेपुटेशन पर बुलाया जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीव नहीं किया था। ऐसे ऑफिसर जो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानने से मना कर देते तो उनके अगेंस्ट
ये क्लियर नहीं बताया गया कि पनिशमेंट क्या होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ रूल नंबर 7 में ये बोलता है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्लियर कट नहीं बताया कि क्या डिसीजन होगा और क्या वो रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे और क्या उनके अगेंस्ट एक्शन आगे लिया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन या डिबेट हो सकता है। हालांकि रूल में कुछ रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, तो इसी चीज़ को लेकर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल था। इसके बाद राइट हैंड साइड आप देखेंगे कोस्ट गार्ड को लेकर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोस्ट गार्ड को मोर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और अजय डोवाल साहब ने कमीशन करा है एक ओपीवी सजग करके। तो ओपीवी सजग क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही कोस्ट गार्ड के रोल को एनालिसिस किया जा रहा है और कोस्ट गार्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न केवल नेबरिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के मामले में बल्कि इंडियन ओशन रीजन के इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोवाल साहब, उन्होंने इस पर्टिकुलर कोस्ट गार्ड को, इंडियन कोस्ट गार्ड को और ज़्यादा पावर देने को लेकर या और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डिस्कशन किया और उन्होंने कमीशन किया है ऑफशोर पेट्रोल वेजल। ओपीवी का मतलब है ऑफशोर पेट्रोल वेजल सजग, सजग का मतलब ही अलर्ट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर ये बताया गया कि ये इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया, बिल्ट किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और उन्होंने बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एंटी स्मगलिंग को लेकर हो, एंटी नारकोटिक्स को लेकर हो, नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रोल है 1971 का जो वार हुआ था इंडियन पाकिस्तान के बीच में, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के इशू को लेकर 1971 में, तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट माना गया कि एक इस तरह का ब्लूप्रिंट होना चाहिए और इसको लेकर मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड जो है वो कंसीव किया गया और इसको लेकर एक विजनरी रुस्तम जी कमेटी बनाई गई थी ताकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके और जो एसेट ऑफ मुंबई हाई के आसपास का एरिया वहाँ पर और ज़्यादा पेट्रोलिंग की जा सके। तो पेट्रोलिंग को और ज़्यादा उसमें अलर्ट करने को लेकर या इंडियन कोस्ट गार्ड की पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने को लेकर ओपीवी सजग को कमीशन किया गया। ये ध्यान रखिएगा इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऑफशोर पेट्रोल वेजल सजग क्या है, या आपसे सवाल पूछा जाता है सजग बेसिकली है क्या, कहाँ पर ये न्यूज़ में रहा है, तो इसको लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं। उनके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। पेज नंबर 7 पे हम जाएंगे। पेज नंबर 7 पे अगर हम देखें तो एक अनाउंसमेंट किया गया है और इस अनाउंसमेंट में बेसिकली क्या किया गया है कि 10 लाख का एक कॉप्स फंड बनाया जाएगा फॉर एवरी चाइल्ड जो कि ऑर्फन हुआ कोविड-19 के बाद, यानी कोविड-19 के बाद जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं उनको लेकर 10 लाख रुपये का एक कॉप्स फंड बनाया जाएगा हर बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो कि इसमें ऑर्फन हुआ या जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं। और इनके अलावा एजुकेशनल असिस्टेंट दिया जाएगा, उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा, स्पेशल पीएम केयर स्कीम यानी पीएम केयर्स फंड के थ्रू या पीएम केयर स्कीम के अंडर ये कहीं ना कहीं इनको अनाउंस किया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एड पैकेज ऐसे बच्चों के लिए जो कि ऑर्फन हुए हैं ड्यूरिंग द पैंडमिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये बच्चे जो कि ऑर्फन हुए उनको केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एनरोल किया जाएगा और उनके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। इसके अलावा 11 से 18 ईयर के जो बच्चे हैं वो अपने आप को सैनिक स्कूल में और जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर एंट्री करा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक और 10 लाख रुपए का कोप्स उनको दिया जाएगा या इनके लिए क्रिएट किया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनके अलावा 23 ईयर के बाद जब वो उनकी एज 23 अटेंड करेगी तो एक लंप सम एक वर्ड यूज़ किया गया यानी एक मुश्त उनको अकाउंट ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उनके अकाउंट में। तो इसको लेकर डिसीजन लिया गया कि ऐसे ही बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स जो है यानी मदर और फादर दोनों एक्सपायर हो गए हैं या एक एक्सपायर हुआ या लीगल गार्जियन एक्सपायर हो गए हैं तो उन कंडीशन में स्कीम के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। और इनमें ये भी बताया गया कि जो भी एक्सपेंसेस हो वो भी बियर किए जाएंगे। अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर एनरोल किया जाता है तो पीएम केयर्स फंड के अंडर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके अंदर उनके जो एक्सपेंसेस होंगे चाहे यूनिफॉर्म हो, टेक्स्ट बुक्स हो, नोटबुक हो, इनको लेकर सपोर्ट किया जाएगा। रेजिडेंशियल स्कूल में कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, इनमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और हेल्थ केयर लेकर जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए तक का वो उसमें एनरोलमेंट किया जाएगा। और इनके अलावा यहाँ पर दो और चीज़ें बताएगी लास्ट में
कि एक पेंशन स्कीम जो थी एम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरा, इंश्योरेंस बेनिफिट जो मिलते थे अंडर एम्प्लॉज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स को, उसमें भी एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अवेलेबल होगा, ये स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इतना नहीं है कि एग्ज़ाम से पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि जो टैक्स एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि GST को लेकर एक जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो स्लैब्स हैं उसमें जो कट करने के बारे में डिसीजन लिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट ने जो एक तरीके से इंपोर्ट किए गए ऑक्सीजन से रिलेटेड या COVID-19 रिलेटेड जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट किया गया, उनमें जो कन्फ्यूज़न है कि कितनी रेट उन पर लगेगी, उसको क्लियर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारी स्लैब्स आप देखेंगे GST के अंदर जिसमें 4 मेजर स्लैब्स है, 5%, इसमें इसके बाद 12%, 18% और 28%, तो इस तरह के स्लैब्स आपको देखने को मिलेगी। सेस क्या है उसके बारे में भी सवाल हो सकते हैं आप लोगों, मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि सेस बेसिकली क्या होता है या सेस का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को आज नीचे कमेंट करना सेकंड क्वेश्चन कि सेस वर्ड जो यूज़ किया जाता है तो सेस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आपको नीचे बताना है। राइट हैंड साइड आप देखेंगे पेज नंबर 7 पे ही एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कोविन पोर्टल में जो डेटा शो कर रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 3 मिलियन डोजेज पर डे इसमें वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, या वैक्सीनेशन का को रैंपअप जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन को और ज़्यादा करने के मामले में एक गुड न्यूज़ है कि 3 मिलियन, हालांकि हमें अभी भी इसको और ज़्यादा रैंपअप करना है और बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन करना है, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कोविन पोर्टल को ज़रूर ध्यान रखना, कोविन पोर्टल के थ्रू वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मॉनिटरिंग किया जाता है, कैसे किन सर्टिफिकेशन को लेकर हो या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 जो है, पेज नंबर 8 पे वर्ल्ड एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी आपको, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले किया गया 25 ईयर कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पर देखेंगे ये 9 आपको सूर्य किरण एरोबेटिक टीम होगी जो कि इंडियन एयरफोर्स की है, और इसमें 1971 के लिबरेशन वार के कंप्लीट होने को लेकर हो या आने वाले टाइम में भारत की आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट ये सेलिब्रेशन है। सूर्य किरण का मतलब क्या होता है, रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरण, हिंदी संस्कृत एक वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसमें मई 27, 1996 को ये कहने की रेज किया गया था इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस इन बीदर कर्नाटका में, तो इसको लेकर ये डिस्कशन किया गया है और कई जगह पर इन्होंने डिस्प्ले किया है, जिसमें सबसे पहले फॉरेन में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर ये डिस्प्ले किया गया था, और रिसेंटली भी श्रीलंका के अंदर श्रीलंका का जो एयरफोर्स डे है वहाँ पर इन्होंने एक तरीके से डिस्प्ले किया था अपने जो एयरफोर्स है, इसमें 9 ये होते हैं ये फ्लिट 9 एयरफोर्स की जो फ्लीट होती है उसके अंदर 9 ये एक तरीके से आपको इसमें प्लेन दिखाई देंगे, एयरक्राफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर पेज पे, पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 9 पे हम लोग जाएंगे, पेज नंबर 9 पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड अफेयर का ये पेज है पूरा का पूरा, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे पहला, श्रीलंका के अंदर एक मेरिन डिज़ास्टर हुआ है। मेरिन डिज़ास्टर का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक पोल्यूशन क्राइसिस देखने को मिला है, और इसमें प्लास्टिक वेस्ट को लेकर यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है, और इसने क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नेवी रेटिंग्स ने जो मैकेनिकल डिगर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें टिनी प्लास्टिक्स वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सिंगापुर के रजिस्टर्ड एक MV एक्सप्रेस पर्ल की तरफ से या इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर टिनी प्लास्टिक या जो छोटे प्लास्टिक्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले, और ये माना गया कि श्रीलंका की जो मरीन प्रोडक्शन अथॉरिटी, उन्होंने ये बोला कि माइक्रो प्लास्टिक जो है ये एक तरीके से इकोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं इंडियन ओशन आइलैंड को लेकर, और ये एक तरीके से वर्स्ट बीच पोल्यूशन है इन और हिस्ट्री। इनके अलावा यहाँ पर बताया गया क्योंकि एक तो ये टूरिज़्म सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और श्रीलंका की इकोनॉमी पहले से ही और ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही है, जिसमें टूरिज़्म हो, टेक्सटाइल हो या टी हो, तीनों सेक्टर्स में। इनके अलावा दुनिया भर से लोन ले रखा है, उसको पे करना है, करेंसी स्वैप की बातचीत कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में एक और नई घटना होना कि मरीन पोल्यूशन होता है। मरीन पोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू न्यूज़ में है, कई जगह पर 2020-21 में इस तरह की न्यूज़ आई है, तो मरीन पोल्यूशन को लेकर सवाल हो सकता है इकोलॉजी में, और कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू मरीन पोल्यूशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, या कई जगह पर
कई सारे टैंकर्स ने डैमेज किया और पोल्यूशन क्रिएट किया है सी सरफेस पे, ये आपको देखने को मिल सकता है 2020-21 में। और 21 के प्री में सवाल आपको पूछे जा सकते हैं मरीन पोल्यूशन को लेकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्री, बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो भी इंक्लूड किया जाता है सिविल सर्विसेज के साथ। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है ये बेलारूस के कॉन्टेक्स्ट में, बेलारूस में अगर हम बात करें तो अभी कई सारी घटनाएं हुई हैं। बेलारूस की ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, और यहाँ पर एक घटना हुई कि एक प्लेन को इन्होंने हाईजैक किया और एक जर्नलिस्ट को डिटेन किया। उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने इनके ऊपर सेंक्शन लगाया, अभी क्योंकि इनकी मीटिंग हुई रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इनके ऊपर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने को लेकर या पनेटिव मेजर हो सकते हैं उनको लेकर डिसीजन लिया गया। इसी चीज़ को लेकर ये कंटिन्यू न्यूज़ में है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको करके, इनके ऊपर पहले से भी एलिगेशन लगते हैं। यहाँ पर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है कि एक तरफा ये एक तरीके से लास्ट डिक्टेटर की तरह, यानी यूरोप के डिक्टेटर की तरह ये काम करते हैं और पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का उसको फॉलो नहीं करते। इसी चीज़ को लेकर इनके अगेंस्ट एलिगेशन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और अभी ये जो नई घटना हुई इसने और ज़्यादा इन्वाइट किए कि यूरोपियन कंट्री, और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, इनके ऊपर और ज़्यादा सेंक्शन लगाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ज़्यादा सेंक्शन जो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसी पेज पे जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है, वियतनाम के अंदर एक हाइब्रिड वेरिएंट डिटेक्ट किया गया। हाइब्रिड वेरिएंट्स का मतलब क्या, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के अंदर जो वेरिएंट देखने को मिला उन सब का मिक्सअप आप देखेंगे, तो वो वियतनाम के अंदर इस टाइम पे देखने को मिला और ये एक कंसर्न है। WHO की बात करें तो WHO ने 4 ऐसे दुनिया भर के जो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं उनको लिस्ट ऑफ कंसर्न के अंदर इंक्लूड किया, और भारत का जो माना जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिला उसका असर भी देखने को मिलता है। हालांकि इसमें इस तरह के वेरिएंट्स यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन इसमें साइंटिफिक नाम जो वही यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे B.1.17 करके इस तरह के, ठीक है, तो इस तरह या ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा था B.1.617.2, ठीक है, तो इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि फिलीपींस प्रोटेस्ट करता है इलीगल साउथ चाइना सी, यानी चाइना की जो प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक आइलैंड है, ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है बेसिकली क्लेम करता है कि हमारी पूरी की पूरी टेरिटरी है। दो आइलैंड पर सबसे ज़्यादा इश्यूज है, पार्सल और स्पार्टली, और स्पार्टली आइलैंड के बिल्कुल ही पास में एक आइलैंड है थेटू आइलैंड करके। आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते, बहुत ही सुंदर सा एक आइलैंड है थेटू आइलैंड। यहाँ पर चाइना ने क्या किया था, कुछ वेजल्स को अपने यहाँ पर रोक दिया और इन्होंने ये बोला कि भाई ये हमने कोई मिलिट्री नहीं है, बल्कि वेदर जो है डैमेज होने की वजह से या वेदर अच्छा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 84 डेज तक लगातार वेदर ख़राब हो सकता है, तो इसी चीज़ को लेकर फिलीपींस विरोध करता है कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें उसको स्पेसिफिक राइट्स मिलते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर हो या एक्सप्लोरेशन को लेकर हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि चाइना का जो इस पर्टिकुलर आइलैंड के अंदर अपने वेजल्स को रोकना हो, ये कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सपेंशन का उनका एक तरीका है। और चाइना का जो क्लेम करता है साउथ चाइना सी पर, जो कि $3 ट्रिलियन का यहाँ पर एक ट्रेड होता है, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया इसी बात को लेकर बोलती है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज को जो चाइना फॉलो नहीं करता, इनमें इनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए और पीसफुल जो है वो एक स्मूथ मैरीटाइम्स वो एक मूवमेंट होनी चाहिए, सारी कंट्रीज़ को राइट होना चाहिए। इसके अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, कई सारी कंट्रीज पर्टिकुलर आइलैंड्स में क्लेम करती है, तो इसलिए चाइना इसमें पर्टिकुलर आइलैंड के अंदर 9 डैश लाइन के थ्रू या आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन के थ्रू ये क्लेम करता है कि पूरा रीजन हमारा है। अगर 9 डैश लाइन को अप्रूव किया जाए, तो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन को अप्रूव कर दी जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से कोई भी वेजल्स गुजरेगा, कोई भी शिप जाएगा, तो उसको चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं जा सकता। इसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, 1982 में अडॉप्ट किया गया था, और इसमें जिनेवा कन्वेंशन जो अप्रैल 1958 है उसको, उसके 4
इस तरह की कन्वेंशन को रिप्लेस किया गया था। चार वर्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं, टेरिटोरियल सी हो गया, कॉन्टिजियस जोन हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, और हाई सीज को लेकर एक फिशिंग एंड कंजर्वेशन जो है इनको भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में ये रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कई बार न्यूज़ में रहा है और आने वाले टाइम में क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी है, साउथ चाइना सी है, इसके कुछ मेजर आइलैंड्स हैं, इनको लेकर भी डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट पेज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो आर्टिकल जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, पहला कि जो वैक्सीन का गोल है उसको वो कैसे प्रिवेंट करता है डिजीज एंड डेथ्स को लेकर, इसमें गगनदीप कांग जो कि इंपॉर्टेंट वायरोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर आप बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, ये है CMC वेलोर के अंदर, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भारत के अंदर इस टाइम जो अप्रूवल दिया गया है कि वैक्सीन जैसे कोविशील्ड में जो दो डोजेज के बीच में गैप था वो इंक्रीज़ किया गया, पहले ये गैप था 6 से 8 वीक्स के बीच में और अब उसको इंक्रीज़ किया गया 12 से 16 वीक्स के बीच में, ठीक है, तो अब इसमें डबल कर दिया गया है। तो इसको लेकर ये बताया गया कि वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर अब ये इंक्रीज़ इसलिए किया गया क्योंकि अभी कई सारे एविडेंस आए हैं और कई एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर एनालिसिस किया गया है कि वैक्सीन जो है और ज़्यादा इफेक्टिव है अगर इसका जो गैप पीरियड है 12 से 16 वीक इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहा। इनके अलावा जो अलग अलग वेरिएंट्स हम देखने को मिलते हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड ने यह पाया कि अगर सिंगल डोज लगाई जाती है तो उसमें केवल 33.5% इफेक्टिव होती है, और दोनों डोज अगर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी एफिकेसी डेफिनेटली बढ़ती है। तो वैक्सीनेशन जो एक अल्टरनेट होता है, और वैक्सीनेशन में कितने लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करें जिसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के हो सकते हैं या अलग अलग इसमें वैक्सीन को लेकर भी उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर भी एनालिसिस किया जाता है। तो दुनिया में किसी के पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टफुल होगी क्योंकि उसको लेकर एक टाइम लगेगा। वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरी दुनिया में पिछले कुछ दिनों में ही शुरू हुआ, कुछ महीनों में ही शुरू हुआ है, तो उसको लेकर अभी टाइम लगेगा, लेकिन भारत ये डेटा प्रोवाइड करवा सकता दुनिया भर के कंट्रीज़ को, राइट। इसके अलावा कुछ वेरिएंट्स के नाम बताया गया, कैसे वेरिएंट्स इंपैक्ट कर सकते हैं, म्यूटेंट जो हो सकते हैं वेरिएंट्स के अंदर, उन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया गया इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के अंदर। हालांकि एग्ज़ाम से कितना रिलेट होगा कितना नहीं रिलेट होगा वो तो एक डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम से हो, वो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न हिमालयन स्पीसीज़ को लेकर ये बोला गया कि फॉरेस्ट कवर जो है डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन होने की वजह से उसमें फॉरेस्ट बर्ड जो है उनकी स्पीसीज में भी कमी देखने को मिलती है, और कई सारे एविडेंस ऐसे देखने को मिलते हैं। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि भारत में फॉरेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं या भारत में वनों के प्रकार जो है वो कौन कौन से, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। और यहाँ पर अगेन वही चीज़ें बताएगी कि ओक फॉरेस्ट में जो अलग अलग अल्टीट्यूड्स के अंदर इसमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इन फॉरेस्ट में कमी होती है या लैंड डिग्रेडेशन होती है, या अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर में कमी होती है, तो उसका बर्ड्स की पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर एनालिसिस किया गया। और इसमें बताया गया कि जो वुड पैकर्स है वो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं या कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इसमें स्पीशीज़ को लेकर, और उसमें टूरिज्म का या दूसरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का क्या असर पड़ता जब वो इंक्रीज होती पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उन सब चीज़ों को लेकर इस न्यूज़ में डिस्कशन किया गया, राइट। तो ये थे आज की द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या एडिटोरियल पार्ट जिसको बोल सकते हैं आज के, राइट। थैंक यू ऑल, जय हिंद।